मुख्यमंत्री से बर्ताव, ये हाईकमान नाखुश बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर सीएम की बैठक में डिप्टी सीएम की गैर मौजूदगी से हाईकमान नाराज बताया जा रहा है। बैठकों में गैर हाजिरी को हाईकमान अनुशासनहीनता मान रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आला कमान इस पूरे मामले को अनुशासनहीनता की निगाहों से देख रहा है। चलिए इस एक्सक्लूसिव खबर पर हमारे सहयोगी रोहित सिंह सावल तक पहुंचते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप लेकर आए हैं यूपी, अगर रोहित यूपी में बीजेपी के भीतर विवादों की बात करें, जो फिल्म चल रही है उसका क्लाइमेक्स क्या यही है कि योगी को आला कमान का पूरा समर्थन है? देखिए श्रेयता, इस वक्त सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज दर्शकों को दे रहा है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत, परोक्ष रूप से बगावत की जो खबरें चली आ रही थी उस पर लगभग विराम लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर इस वक्त की इस पूरे विवाद पर आला कमान, सूत्र ये बता रहे हैं कि आला कमान नाराज है दोनों उप मुख्यमंत्रियों के उस बर्ताव से जिसके तहत वो योगी आदित्यनाथ ने जो बैठकें बुलाई थी, मंडलों की जो समीक्षा की बैठकें थी, उन बैठकों में उनकी गैर हाजिरी से आलाकमान नाराज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी अपने आप को कहती है और आलाकमान के जो हमारे सूत्र हैं उनका यह कहना है कि आलाकमान के नेताओं का यही कहना है कि साहब नाराजगी थी तो उसको जाहिर करने का पार्टी में उचित फोरम है, लेकिन इस नाराजगी को परोक्ष रूप से पब्लिक डोमेन में लाने की क्या जरूरत है। और यही बात है जो निकल कर सामने आई है कि पब्लिक डोमेन में परोक्ष रूप से यानी बैठकों से दूरी बनाई गई, उससे एक भ्रम की जो स्थिति बनी उसे अनुशासनहीनता की तरह देख रहा है आलाकमान। और यही बड़ा झटका है उन तमाम लोगों को, कुछ विधायक भी थे जो बार बार ये बात कह रहे थे कि सुनवाई नहीं हो रही है या तमाम बातें थी, लेकिन देखिए बड़ी गौर करने वाली बात है, ना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना ही दोनों डिप्टी सीएम, दोनों की तरफ से कोई बयान नहीं आया, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि क्यों उप मुख्यमंत्री बैठक में नहीं हो रहे हैं। मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं पिछले 5 दिनों से कि बैठकों से किनारा कर रहे हैं दोनों उप मुख्यमंत्री, और अब ये बड़ी खबर आ रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं श्रीलता, कल भी योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई है संगठन के बड़े नेताओं से, और जो सूत्र बता रहे हैं उनका यही कहना है कि पूरी बात सामने रख दी गई है। और अब बड़ा सवाल यह है कि अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह की खबरें आ रही थी कि यूपी में ये होने वाला है वो होने वाला है, कुल मिलाकर बात यह है कि अब बात संगठन के फोरम पर इस तरीके से पहुंची है कि बैठकों से गैर हाजिरी अनुशासनहीनता की श्रेणी में देखा जा रहा है। बिल्कुल रोहित, आप चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी में बीजेपी के भीतर जिस तरीके की जंग छिड़ी है जाहिर तौर पर अब खुलकर के सामने भी आ रही है, उसके बैकग्राउंड में क्या है उस बारे में बताइए। देखिए ये जंग खुलकर के सामने आ गई है, रोहित एकदम सही कह रहे हैं कि किसी ने अभी तक ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा, ना योगी ने कुछ कहा, ना केशव ने, ना ब्रजेश पाठक ने, लेकिन अंदर खाने में ये जंग काफी बढ़ चुकी है। और ये जो गैर हाजिरी जिसका रोहित जिक्र कर रहे थे, इसकी जड़ में क्या ये भी समझने वाला है, हमारी जो बात हुई है दोनों डिप्टी सीएम के से करीबी सोर्सेज जो बताते हैं यूपी को कुल 75 जिलों में बांटा गया, इन दोनों ही डिप्टी सीएम के पास 25 जिले हैं, इसके बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में इनको नहीं बुलाया जबकि इनको बुलाया जाना चाहिए था। हमको यह भी बताया गया है कि सहयोगी भी नाराज हैं, अपना दल भी के मुखिया नहीं आए, जो समीक्षा बैठक हुई उसमें निषाद पार्टी के मुखिया भी नहीं आए, उसमें ओम प्रकाश राजभर भी नहीं आए, ओम प्रकाश राजभर ने सेम डे जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक बुला ली थी, यह भी बड़ी अहम बात है। तो यह अंदर की लड़ाई काफी हद तक यह धीरे धीरे करके कोई कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन अंदर खाने लड़ाई बढ़ती जा रही है, तमाम विधायक बोल रहे हैं, तमाम एमपी एमएलए अलग अलग जनप्रतिनिधि एमएलसी वो सब अपनी बातें रख रहे हैं, और ऐसे में यह वो समय आ गया है जब आला कमान को इस पर कॉल लेनी है और उसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अंदर की लड़ाई अभी कहीं भी रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। स्नेहलता, बिल्कुल, और ये तमाम चीजें जब खुल करके सामने आ रही हैं बातें होंगी, लेकिन अब संजय त्रिपाठी का रुख करते हैं। संजय, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो जाहिर तौर पर सीएम योगी और बीजेपी दोनों के लिए बड़ा झटका था, लेकिन इसके बाद सीएम योगी लगातार एक्शन लेते भी दिखाई दिए। योगी ने इस दौरान क्या क्या किया, अगर उस टाइमलाइन पर जाएं तो क्या डिटेल सामने आती है? 24 के चुनाव में हारने की जो सबसे बड़ी वजह थी उनमें था बेरोजगारी। सबसे पहले उन्होंने, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ उसके तत्काल जो सरकारी विभाग में
कई सारी भर्तियां रुकी हुई थी उनको जारी किया। इसके अलावा बुलडोजर का एक्शन को लेकर के सवाल खड़े हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाल में ही इसने लता आपने देखा किस तरह से जो बुलडोजर का एक्शन था जो अकबरनगर में चला था उसको रहीम नगर अवरार नगर समेत कई कॉलोनियों के लिए रोक दिया। इसके अलावा जो आरक्षण का विषय था अग्निवीर बड़ा विषय था, अग्निवीर को लेकर के अभी कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की कि अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश में पुलिस और पीएसी की भर्तियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए चुनाव के बाद। इसके साथ ही उन्होंने जो 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है उसकी चुनाव की पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी है। लगातार वो मंडलों की समीक्षा कर रहे हैं, साथ ही जो जनप्रतिनिधि उनसे मिल रहे हैं उनसे इन 10 सीटों में कैसे विजय पताका फहराई जाएगी उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा बड़ा चेहरा था। कानून व्यवस्था की स्थितियों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने सुदृढ़ की है उसमें उनका नाम लिया जाता, उसके नाम पर लोगों ने उन पर भरोसा भी जताया। तो कानून व्यवस्था की स्थिति और कैसे सुधरे इस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। तो लगातार एक के बाद एक कई सारे विषय हैं जिन पर चुनाव की हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल बोल्ड एंड हाईलाइटेड वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं नीरज पांडे के पास। आज सीएम योगी समेत नीरज अगर बात की जाए यूपी बीजेपी के सभी बड़े नेता दिल्ली में हैं। आगे योगी में दिल्ली क्या करने वाले हैं, दिल्ली में योगी करने क्या वाले हैं, मुलाकातों के सिलसिले की बात की जाए या फिर डे प्लान की बात की जाए तो देखिए अभी फिलहाल नीति आयोग की बैठक खत्म होने वाली, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन में है, थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे जहां पर आज मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक है भारतीय जनता पार्टी की उसमें शामिल होंगे। और ये कोई नई बैठक नहीं है, हमेशा हर साल एक बैठक ऐसी होती है मुख्यमंत्री परिषद की जिसमें भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और ये बैठक करीब रात में 10:30 बजे तक चलने वाली है और ये बैठक है। इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा बताएगी कि हमें क्या क्या करना है, आगे कैसे आगे बढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बैठक में आने वाले जो 4 स्टेट के इलेक्शन है जो इसी साल के अंत तक होने हैं उन सभी पर चर्चा होगी, सबसे सुझाव लिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में कहां गलतियां हुई, कैसे हम आशा के अनुरूप सीट नहीं ले पाए, उस पर भी मंथन होगा, उस पर समीक्षा होगी, लोगों से उनकी राय मांगी जाएगी। तो एक ये कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग है जिसमें सभी मुख्यमंत्री बीजेपी रूल स्टेट के और उप मुख्यमंत्री मीटिंग जैसे ही शुरू होगी इसके भीतर से जो छन छन की जानकारी आएगी हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब फिर से रोहित का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रोहित जिस तरीके से आपने बताया कि सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि दोनों डिप्टी सीएम मीटिंग में ना जाकर के अनुशासनहीनता अगर आला कमान नाराज होकर इस सेक्शन में इस पूरे एक्शन को डालता है तो क्या कोई आगे एक्शन लिया जाएगा, कोई कार्रवाई भी होगी? देखिए स्नेहलता, इस पूरी खबर का लबुलवाब जो सबसे बड़ी खबर इस पूरे विवाद से जुड़ी हुई एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है। मैं ये बता दूं कि अभी जिस तरह से नीरज बता रहे थे योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में हैं, अब से कुछ ही देर बाद वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जाएंगे, दोनों डेप्यूटी सीएम भी वहां पर जाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी, यानी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। 9:30 बजे तक ये बैठक चलेगी, यानी आज भारतीय जनता पार्टी में जैसे अटकलें कई लोग लगा रहे थे कि आज डिप्टी सीएम पीएम से मिलेंगे, गृहमंत्री से मिलेंगे, इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, ऐसी कोई भी कार्यक्रम अभी नहीं है। और उसके बाद कल रविवार है, कल सुबह से ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में फिर से मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का दौर शुरू हो जाएगा। और जो एक तो ये बात और दूसरा पहलू ये कि अनुशासनहीनता से माना जा रहा है पार्टी फोरम पर मुख्यमंत्री की बैठकों से किनारा करना दोनों उप मुख्यमंत्रियों का। बिल्कुल सूत्रों के हिसाब से बड़ी मैं खबर आपको बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। और आपको यह बता दूं, आपने कहा कि आगे एक्शन क्या, तो स्नेहलता मैं आपको बता दूं ये भारतीय जनता पार्टी है, बात सामने आ गई। और जिस तरह से कल जो बैठकें हुई मुख्यमंत्री की बैठकें हुई और जो संगठन का फीडबैक है राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, उसके बाद तस्वीर निकल कर यही सामने आ रही है। मैं आपको यह बता दूं कि संगठन के स्तर पर, यानी कोई सार्वजनिक स्तर पर नहीं, संगठन के स्तर पर दोनों उप मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी और इस विवाद को इसी तरह से शांत होगा करने की कोशिश होगी जो बीजेपी की नीति और रीति रही है मिल बैठ के बात करना। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है, योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं कहा, दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने पब्लिक डोमेन में बैठकों से किनारा किया। जैसे लखनऊ मंडल की बैठक थी, ब्रजेश पाठक का नाम उस सूची में बाकायदा था लेकिन वो कल मौजूद नहीं थे, तो जाहिर सी बात है ऐसे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं बच जाता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है। अगर आपका कोई आपको कोई पीड़ा थी किसी बात का, कोई
दुख था। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आपके पास अलग अलग फोरम है, संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम तरह के फोरम हैं, वहां पर बात क्यों नहीं आई? तो ये वो तमाम बातें हैं जिस वजह से अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है श्रीलता कि अब संगठन के स्तर पर पंचायत होगी, मान मुनव्वल होगा और वापस लखनऊ पहुंचेंगे तीनों लोग। और जो मॉनसून सत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा का आने वाला है, तीनों एक साथ दिखाई देंगे श्रीलता। बिल्कुल, तो इस तस्वीर पर, इस मीटिंग पर निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि नीति आयोग की मीटिंग के बाद जैसा कि बताया जा रहा है अब बीजेपी की ये बड़ी मीटिंग होने वाली है। इससे जो अपडेट आएगी एबीपी न्यूज पर सबसे पहले सबसे सटीक और इनसाइड स्टोरी के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी का शुक्रिया इस इनसाइड अपडेट के लिए, जहां बीजेपी की मीटिंग से पहले ही एबीपी न्यूज आपको बता रहा है कि अब किस तरीके से डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। इस पूरे मामले पर जो भी कहानी थी वो आपके सामने रखी। लेकिन इसी बीच ये भी जान लीजिए कि बीजेपी में अंदरूनी झगड़े के बीच लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का दावा है कि सीएम योगी लगातार समस्याओं पर एक्शन ले रहे हैं। जब सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा और 2027 में इलेक्शन का वक्त आएगा तो बीजेपी को 350 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। मुख्यमंत्री जी के लिए तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के उसमें अधिकारी सही काम कर रहे हैं और आप अधिकारियों को घेर रहे हैं, तो कहीं कहीं सरकार को घेरना ही होगा। तो मैंने कब कहा अधिकारी, मैंने कहा ना आचार संहिता लगने के दौरान बाउंडर किया, पिछले टाइम से जो व्यवस्था एक बार बिगड़ी, जो सपा की मानसिकता के समाजवादी पार्टी के जो लुटे अधिकारी थे वो आज तक उनके खून में भ्रष्टाचार है, उनका ऑपरेशन हो रहा है। बलिया में यही तो हुआ, हम कह रहे थे कि अधिकारी खुलेआम लूट रहे हैं, कितना बड़ा मामला सामने आया है, इंस्पेक्टर छोड़ के भाग गया थाना, तमाम पूरा थाना सस्पेंड हुआ है, मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तार हुए। तो ये क्या मेरी बात गलत थी क्या? प्रमाणिक होगी ना। इसी तरह सब जगह कार्रवाई हो रही है, अभी एसडीएम निलंबित हुआ है, पटवारियों के क्या हाल है। तो इन सब पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बैठ के बुलाई है, इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा वही जो 6 महीने पहले रामराज था वो लौटेगा, अपराधी यहाँ से भाग जाएंगे, भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारी नजर नहीं आएंगे और हम पुनः 325-350 सीट लेकर के इस बार उत्तर प्रदेश में आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।